तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हमारे रेलवे एनटीपीसी के कैंडिडेटों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी हमारे कैंडिडेट सीबीटी सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की ये वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप सभी को चेन्नई, बेंगलोर, गोवा, जम्मू कश्मीर, इलाहाबाद और अजमेर जोन का बिल्कुल सही कट ऑफ। अभी आप लोगों को बता दें आज ही यूपी जेल वार्डर का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने जो कट ऑफ एनालिसिस करके बनाई थी वही दोस्तों बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही गई है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो का अंत तक जरूर देखें, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जनरल ओबीसी एससी और एसटी वालों की जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। इन सभी जोनों का टॉप एनालिसिस आप सभी के इस वीडियो में किया गया, तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं रेलवे एनटीपीसी के जो सीबीटी फर्स्ट दे चुके हैं उनके पास, ताकि हमारे जितने भी कैंडिडेट सभी के पास वीडियो को पहुँचाया जा सके। साथ ही साथ आप सभी की सीबीटी सेकंड की जो एग्ज़ाम डेट है उस पर भी हम लोग आप सभी को इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं। तो चलिए सो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें यहाँ पे कि जितने भी हमारे सीबीटी सेकंड की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, अनअकैडमी ने आप सभी के लिए 14 टेस्ट फ्री रखे हैं, वो भी जनरल अवेयरनेस के और जनरल साइंस के, स्टैटिक, जीके के सभी क्वेश्चन आप लोगों को इन टेस्ट सीरीजों में मिलने वाले। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जिनका आगे की पालियों में एग्ज़ाम लगा हुआ है या सीबीटी सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इन टेस्टों में भाग जरूर लें, पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, चाहे आपका जीके का हो, जीएस का हो, ठीक है, या मैथ का भी हो, क्वांट का भी यहाँ पे टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और आपका इंग्लिश सभी का यहाँ पे, मतलब कि रीजनिंग का भी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सभी टेस्टों के लिंक आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप लोग एक चीज़ बिल्कुल भी भूलें ना कि इन टेस्टों को आप लोगों को देना ही देना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को दोस्तों आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो इन चीज़ों को जरूर करिएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट नहीं करेगा वो दोस्तों पीछे रह जाएगा। तो आज ही जाके वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स अवेलेबल है, उस पर क्लिक करें और एक कोड अप्लाई कर आप लोगों को करना पड़ेगा, अभय डैश टैन। ठीक है, ABHAY अभय डैश टैन, ये कोड अप्लाई करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यानी कि सीबीटी सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, तो आप सभी के लिए 24 मंथ का प्लान का फीस यहाँ पे 3600 रखी गई है, उसमें भी आप लोग यही कोड अप्लाई करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, वो भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, सब बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी फिर आपको। ठीक है, तो आप लोग जाके आज ही अनअकैडमी पर टेस्ट अपने चालू करिए। पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने बैंगलोर जोन का। ठीक है, जितने भी हमारे कैंडिडेट बैंगलोर जोन से बिलोंग करते हैं, बैंगलोर जोन से जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो आप लोग देख लीजिए अपना इतना ही आपका कट ऑफ जा सकता है जनरल का, ओबीसी का, एससी और एसटी का। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग आराम से अपनी सीबीटी सेकंड की तैयारी कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहे तो आप लोग थोड़ा खतरे में भी हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल की बात करें बैंगलोर जोन की, तो यहाँ पर आपके 53 प्लस तक होने ही चाहिए, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, 53 प्लस जनरल कैटेगरी के अगर आपके अंक आ रहे हैं बेंगलोर जोन से तो आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग सेफ जोन में आते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 48 प्लस और एससी और एसटी की बात करें 44 प्लस, एसटी वालों की बात कर लें तो यहाँ पर आपका 38 प्लस। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है जो हमारे जनरल ओबीसी एससी और एसटी की आपकी बेंगलोर जोन की कट ऑफ है, एक बिल्कुल सही कट ऑफ जो है एनालिसिस पर आधारित है। ठीक है, आप लोग इस कट ऑफ को मतलब कि देख कर अपनी सीबीटी सेकंड की जो तैयारी है सीबीटी टू की तैयारी वो अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सीबीटी सेकंड की स्टार्टिंग करने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको समझिए कि मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग भी जानते होंगे जो है सीबीटी सेकंड अब टफ होने वाला है, कि यहाँ पे पदों की संख्या भी ज़्यादा है, 35,000 प्लस है, और यहाँ पे कंपटीशन टफ होगा। अगर जो भी सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेगा तो अपनी पूरी जी जान लगा देगा सीबीटी सेकंड को भी क्वालिफाई करने के लिए, तो कंपटीशन टफ है, तैयारी अभी से करना चालू कर दीजिए। बैंगलोर जोन की कट ऑफ जनरल की 53 प्लस, ओबीसी की 48 प्लस, एससी और एसटी की 44 प्लस और 38 प्लस। ठीक है, जबकि बैंगलोर जोन की कट ऑफ है। इसके बाद चेन्नई जोन की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो जितने भी हमारे चेन्नई जोन से कैंडिडेट हैं, चाहे हम जनरल की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें, एससी और एसटी की बात कर लें, ठीक है, अगर आपके इतने अंक आ रहे तो आप लोग दोस्तों चेन्नई जोन से सेफ जोन में आते हैं। ठीक है, चेन्नई से अगर आपने अप्लाई किया तो आप लोग इतने नंबर आने ही चाहिए। ठीक है, अगर चेन्नई की बात करें तो आपके मैक्सिमम 60 प्लस, ठीक है, 60 प्लस आपके चेन्नई जोन से, 60 प्लस जनरल कैटेगरी 60 प्लस तक। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। ओबीसी की बात करें तो 55 प्लस, ठीक है, एससी और एसटी की बात कर लें तो यहाँ पर आपका 50 प्लस और यहाँ पे आपका
45+, ठीक है। ये आपकी जनरल की, ओबीसी की, एससी और एसटी की कट ऑफ है। हमारे चेन्नई जोन से जितने भी छात्र अप्लाई किए थे उनके लिए बिल्कुल सही कट ऑफ है, और इतनी ही कट ऑफ जो है आपकी जाने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। बहुत ही अच्छी कट ऑफ है, आप लोग इसी को टारगेट करते हुए अपनी सीबीटी 7 की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं सबसे पहली बात, ठीक है। अब हम अजमेर जोन की बात कर लेते हैं, जितने भी हमारे अजमेर जोन के कैंडिडेट हैं, चाहे हम जनरल की हो बात कर लें, चाहे हम ओबीसी की बात कर लें, चाहे एससी और एसटी की बात कर लें, ठीक है। आपका इतना अंक अगर आ रहा है तो आप लोग अजमेर जोन से सेफ जोन में आते हैं, ठीक है। सेफ जोन के लिए आपको 64+ तक चाहिए होगा, नॉर्मलाइज स्कोर आपका 64+ होना चाहिए अजमेर जोन से, ठीक है। जनरल कैटेगरी का आप लोग जानते होंगे, अजमेर हो गया, प्रयागराज हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सभी हाई जोन्स आते हैं। इसमें आपका 70+ तक ही कट ऑफ पिछली बार जो है गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ और आपका जो है थोड़ा कम ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे अटेंडेंस भी कम रही, पदों की संख्या भी ज़्यादा, और काफ़ी सारे फैक्टर कट ऑफ पर निर्भर करते हैं कि वहाँ जिस जो से आपने अप्लाई किया वहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, कंपटीशन कितना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर एनालाइज करके ही कट ऑफ सही कट ऑफ तैयार की जा सकती है। तो अजमेर की कट ऑफ आपकी 64+ तक ही यहाँ पे जा सकती है, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं 64+ तक आ रहे हैं उनके, तो अजमेर जो है उनका सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ ओबीसी एससी और एसटी की बात कर ले तो यहाँ पे अगर जितने भी हमारे ओबीसी कैंडिडेट 58+, एससी और एसटी की बात कर ले 54+, एसटी वालों की 47+, ठीक है। इतने आपके अंक आने ही चाहिए अगर आप लोग अजमेर जोन से अप्लाई किए हैं, जनरल के, ओबीसी, एससी और एसटी के इतने अंक आने ही चाहिए, आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, यानी बढ़े हुए अंक हैं, ठीक है, ये बढ़े हुए अंक हैं आपके, ठीक है, जनरल ओबीसी एससी और एसटी के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक जनरल ओबीसी एससी और एसटी वालों के हम लोग एक प्रयागराज जोन है, ठीक है, इलाहाबाद जोन की बात कर लेंगे। जनरल की कितनी जा सकती है, ओबीसी और एससी और एसटी की कितनी आके जो है प्रयागराज जोन से कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर आपने प्रयागराज जोन से अप्लाई किया है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना स्कोर अचीव करना ही होगा, ठीक है। प्रयागराज का जोन जो है सबसे ज़्यादा समझिए कट ऑफ यहाँ पे जाती है 65+, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 58+ तक, ठीक है। इसके बाद आपका एससी और एसटी की बात करें तो 55+ तक ही, और एसटी वालों का यहाँ पे आपका 49 तक है, ठीक है। इतना आपका कट ऑफ जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रयागराज जोन यानी कि इलाहाबाद जोन से, ठीक है। इलाहाबाद जोन के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं प्रयागराज जोन के, इतने आपके अंक आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में आते हैं, ठीक है। आप लोग सीबीटी 7 की अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये कट ऑफ पूरी तरीके से एनालाइज के आधारित, ठीक है, एनालाइज पर आधारित, एनालिसिस के पर आधारित पूरी कट ऑफ है, ठीक। और आप लोग सीबीटी 7 की तैयारी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट पर। आप लोग जैसा जानते होंगे सबसे पहले तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सीबीटी 7 आपका जल्दी होगा, जून जुलाई तक होगा, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका जो फेज 5 का भी शेड्यूल आया है ये आपका 27 मार्च तक ही चलने वाला है, ठीक है। 27 मार्च तक चलेगा, जिसके बाद भी यहाँ पे 10-12 लाख कैंडिडेट जो है अभी भी रह जाएंगे NTPC की एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। NTPC के एग्ज़ाम जिन्होंने अभी तक ही नहीं दिया होगा, तो इनका लिए यहाँ पे एक फेज 6 का आयोजन किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में किया जाएगा, अप्रैल 2021 में। और ये एग्जाम चलने की जो है 25 अप्रैल तक ही ये एग्जाम जो है आपका चलने की उम्मीद की जा रही है। तो आप लोग ये समझ के चले कि आपका मई से आपका ग्रुप डी का यानी कि GD का एग्ज़ाम होगा, रेलवे GD का, रेलवे ग्रुप डी का, इसका ये 3 महीने तक चलने वाला है, जुलाई तक ही चलेगा, ठीक है, जुलाई तक चलेगा। इसके बाद आपका रेलवे का CBT फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका CBT सेकंड, वही आपका सितंबर तक कंडक्ट होगा, ठीक है। ये पूरे अपडेट है, आप सभी तक हमने जो भी अपडेट पहुँचाई बिल्कुल सटीक पहुँचाई, और आगे भी जो अपडेट्स आती ही आएंगी रेलवे NTPC एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी तक पहुँचाई जाएंगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।